नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। जो देखा रही यूवीएन 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। विदिशा ब्यूरो चीफ रणधीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। गंजवासोदा नगर के बस स्टैंड पर निजी कृष्ण मैरिज गार्डन में भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के विजय दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विगत दिनों हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मीडिया कर्मियों के द्वारा भी 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसी के बाद भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह पूर्व सैनिक संगठन द्वारा किया गया। इस दौरान 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में शामिल हुए नगर के पूर्व सैनिक सुरेश चंद जैन और भुवनेश्वर शर्मा का पूर्व सैनिकों द्वारा सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के 50 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अन्य सैनिकों के दोनों पूर्व सैनिकों का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। इस दौरान दो सैनिकों ने मौजूद लोगों से युद्ध के समय की यादों को ताजा किया। वहाँ लेडीजों को जैसे चीट चीट के उसमें डाल दिए बैंकरों में भरे मिले। क्यों ऐसा किया था? वो तो राक्षस प्रवृत्ति है उनकी, ठीक है, क्या कर सकते हैं। भारतीय सेना में वहाँ पर किस प्रकार उनकी रक्षा गए, जो ठीक ठाक मिला उसको संरक्षण दिया, कैंप बनाया। दूसरे जो सैनिक उनको जो है ना आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। 16 तारीख के आजकल के मतलब जैसे चौथे नंबर पे है पावर में।